이야기가 도착. सर क्या कहना चाहेंगे इस रिकवरी के बारे में? ये यहाँ का एक संगठन है जो यादव समाज ट्रस्ट बनाया गया है, उन्हीं लोगों का एक कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में हम आए हैं। और कार्यक्रम का उनका उद्देश्य अपना है, क्योंकि हर संघ कोई समूह बनता है तो कोई न कोई बाइलाज, कोई न कोई उसका उद्देश्य होता है और उन्हीं उद्देश्यों पर कार्यक्रम चलते हैं। अब इनके उद्देश्य के बारे में ये तो स्वयं जानते होंगे, लेकिन हम लोग जो जानते हैं पॉलिटिकल लोग, कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में संख्या बल की कीमत होती है, क्वांटिटी की कीमत होती है, क्वालिटी की कीमत नहीं होती। तो क्वांटिटी तब बनती है जब हम कोई संघ समूह बना करके इकट्ठा होते हैं और समाज को जोड़ करके लेके चलते हैं। तो ये समाजवादी व्यवस्था में हम लोग हैं और ये संघ हमारा है और इसको जोड़ करके हम ले जाना चाहते हैं देश की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए। सदियों से जो लोग सताए गए हैं, जो इनके मोठों पर मुस्काने नहीं आई, उन्हीं के लिए तैयारी है। हम बधाई और मुबारकबाद देते हैं आपके माध्यम से ये यादव समाज ट्रस्ट को, जिन्होंने इस महानगरी में जो देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ अपना एक स्लोगन लेके चल रहे हैं। और कोई पूछना हो तो बता जी। अगर यादव समाज की बात करें तो आप मुंबई के कोने कोने से यादव समाज यहाँ पे आपका स्वागत करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्वागत करने के लिए मैं घर में आया हूँ, क्योंकि सबसे अधिक उत्तर भारतीय है और उत्तर भारतीय हमारा घर है, तो उत्तर भारतीयों के बीच में हम स्वागत भी पाएंगे, सम्मान भी पाएंगे और समस्या भी पाएंगे। उन सबको देखने के लिए आया हूँ, इसलिए जो लोग आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ताकत को मजबूत करेंगे, इसी उम्मीद से हम लोग आए। इस मुंबई दौरे के पीछे कोई उद्देश्य या कोई? देखिए, जहाँ स्वागत आ जाती है वहाँ उद्देश्य तो अपने आप में आ जाता है। अब पॉलिटिकल आदमी बिला जो है सिद्धांतहीन नहीं चलता, उसका तो कोई लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य आप समझ जाइए कि एक बड़ा समूह है और समूह के बीच में जा करके अपनत्व का भाव दे करके जो हमारा तरीका है उसको जोड़ करके हम आगे की लड़ाई खड़ी करेंगे। ये हमारे राम बहादुर जी हैं, फूलपुर आजमगढ़ के विधायक हैं, श्याम बहादुर, ये है श्याम बहादुर जी। और क्या पूछ रहे हैं जी? उत्तर प्रदेश में जिला परिषद और ग्राम पंचायत का चुनाव, पंचायती राज, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुनियाद है गांव पंचायत और जिला की बड़ी पंचायत, एक संघीय ढांचा है और इस संघीय ढांचे से हम जुड़े हैं। तो जो बुनियाद है, जैसे किसी भी बिल्डिंग की नींव जो होती है, वह नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग के कितना भी आप ऊपर ले जाओगे वह ऊपर बनेगी ही नहीं बल्कि अस्थाई रहेगी। उसी तरीके से बुनियाद की मजबूती के लिए हम समाजवादी लोग सदैव कोशिश किए हैं और समाजवाद में ये बात अच्छी तरह से है कि इन बुनियादों को हम मजबूत करके हम अपनी इमारत खड़ी करेंगे। और इसके बारे में यही कहना है कि हमारे जो लोग भी हैं यहाँ उत्तर भारतीय, वो गांव में हैं और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में उनका गांव हो, वहाँ इसको मजबूत करें और अपने लोगों को मजबूती से आगे बढ़ाएं। सर, वैसे तो उत्तर भारतीय इतना डेवलप नहीं है, नहीं उतना बेरोजगार, तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? उत्तर भारतीय अपनी ताकत से बम्बई को बम्बई बनाए। वैसे तो हम लोग अक्सर ये बात मानते हैं, इतने मेहनत करके व्यक्ति यहाँ रहता है
तो यहाँ के लोग भी उसको परदेशी कहते हैं, और जब गांव जाता है तो गांव के लोग भी कहते हैं परदेशी, क्योंकि थोड़े दिन वहाँ रहता है, अधिक दिन यहाँ रहता है, उसका पूरी जिंदगी यहाँ बीतती है। और यहाँ तक रोजगार के साधन है, मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो 35 करोड़ का मुल्क था, आज मुल्क पूरे के पूरे 1 अरब जो है 25 करोड़ का हो गया। इतने बड़े देश में लगातार जो आवश्यकता बढ़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता के अनुरूप हम अगर आविष्कार नहीं करेंगे तो ये बेरोजगारी या समस्याएं बढ़ेंगी। और हमने आवश्यकता के अनुसार जो लोग जनता की ओर से चुन करके इस देश पर हुकूमत किया, उन लोगों ने सही दिशा नहीं दिया, अपनी सुख सुविधा और विलासिता में भटक गए, और उसी भटकाव का कारण है कि आज बढ़ती हुई आबादी में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ हम किधर ले जाएं। नौजवानों की ताकत को जो सही इस्तेमाल होना चाहिए था, वो नौजवान आज भटक रहा। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी व्यवस्था चाहती है कि भटकाव न आए नौजवानों, इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश में नौजवानों के दिमाग को ठीक करने के लिए बेरोजगारी भत्ता का इंतजाम किया था, क्योंकि बेरोजगार नौजवान कहीं भी भटक सकता है। तो बेरोजगारी भत्ता दे करके वो हम उनको कोई नौकरी नहीं दे रहे थे, नौकरी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि नौजवानों की रोजगार नहीं मिलेगा तो भटकेगा। ताकत कभी भी फैलती है, ताकत कभी बंद कर कमरे में नहीं रखी जाती, ताकत विस्फोट होती है, और उस ताकत का विस्फोट होगा तो ये परिवर्तन होगा, और समाजवादी जब परिवर्तन होगा तभी सबको रोजी रोजगार मिलेगा, और पिछली पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति के होठों पर मुस्कान भी आएगी। ये समाजवादी सोच लेके हम लोग लड़ाई लड़े। सर एक लास्ट सवाल, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे माननीय मुलायम सिंह जी का आवाज़ और अमिताभ ठाकुर का आवाज़ क्यों चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक उस मीडिया का सवाल है और अमिताभ ठाकुर और नेताजी के बातों का आपको सवाल है, अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते।